एक अगस्त का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक हो गया है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी है। इससे अब जातीय जनगणना कराने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार यानी 1 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने बिहार में सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जाति जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने लगातार 5 दिनों तक सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 25 दिन बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। केवल एक लाइन जैसा आपका था कि एक रिट याचिका खारिज की जाती है, अब आगे आप लोग क्या इसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर जो आपने रीजन दिया था 500 करोड़, अब तो जजमेंट देखने की बात बताया जाएगी ना, जजमेंट तो देखे नहीं हम लोग। अच्छा अच्छा पटिशन था सारे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को तीसरी बार बिहार की जाति आधारित जनगणना के केस को पटना हाईकोर्ट के पास भेजा था। दो बार जनहित के नाम पर याचिका पहुंचने पर सुप्रीम न्यायालय ने इसे हाईकोर्ट का केस बताते हुए वापस किया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और यहां 4 मई को अंतरिम फैसला राज्य सरकार के खिलाफ आया। कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए 4 मई तक जुटाए सभी डाटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। पटना हाईकोर्ट से अपने खिलाफ अंतरिम आदेश को देखकर बिहार की नीतीश सरकार अगली तारीख का इंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को बिहार में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस काम के लिए बिहार सरकार ने आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड से 500 करोड़ रुपए जारी किए थे। इस काम को बिहार सरकार के 5 लाख कर्मचारी अंजाम देंगे। इसमें सरकारी कर्मचारी के अलावा आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदी भी काम करेंगी। मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में जाति आधारित गणना के लिए पोर्टल को तैयार कर लिया गया है। जाति आधारित जनगणना में डिजिटल काम का जिम्मा दिल्ली की कंपनी ट्राइडेंट टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है। बता दें जाति जनगणना पर बिहार सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने के लिए 20 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया था। बिहार के खिलाफ नीतीश कुमार ने कहा कि ये कवायद जाति जनगणना नहीं है, बल्कि ये एक जाति सर्वेक्षण है। काफी स्वागतपूर्ण ये फैसला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है, और जो हम लोगों की लड़ाई थी, जो बैकबेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की, तो जब कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, जातीय आधारित गणना, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, लेकिन यहाँ जो सर्वे कराया जा रहा था, उस आधार पे स्थिति जो है स्पष्ट होगी। सबको पता चलेगा कि कौन सी जाति में कितने लोग जो हैं गरीब हैं, और उसी हिसाब से जो सरकार जो है योजनाएं बनाने का काम करेगी और उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। और मेरे ख्याल से भाजपा के लोग लगातार बेचैन थे इस चीज को लेकर के कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना जो हो रही है उसको रोकने का काम किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।